हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास वन के लिए मैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट लेके आई हूँ। सो उसमें आज एक अच्छा सा नया स्टोरी देखते हैं। कौन सा चैप्टर है? यूनिट टू का चैप्टर टू। ओके, यूनिट टू का पोएम मैंने, फर्स्ट पोएम मैंने आपको सिखा दिया। अब सेकेंड वाले में चैप्टर टू है और ये स्टोरी है एक बबल, स्ट्रॉ और शू। बबल यानी क्या होता है आपको पता है? आप पानी में एक चीज रख के ऐसा पूर करते तो बबल जैसा बनते हैं। ओके, स्ट्रॉ क्या होता है? हम कोई जूस पीते तो स्ट्रॉ देते वो, और शू जूते। ओके, ये तीन चीज की स्टोरी हम सुनते हैं आज। ओके, सो उसमें किसने लिखा है? एलेक्सी टॉल्स्टॉय ने ये स्टोरी लिखा है। सो पहले रीड करते हैं, फिर उसकी समझाती हूँ हिंदी में और इंग्लिश में, और फिर हम इस पे जाएंगे किस पे, समरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, स्ट्रॉ एंड अ शू। एक वक्त था कि वहां पे फॉरेस्ट में कौन रहता था? एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू। द बबल, स्ट्रॉ एंड शू वेर लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ओके, दे वेर लिविंग। ओके, वो लोग एक साथ रहते थे। One day they went into the forest. Once they went into the forest, three of them, they are the best friends. Na, hum hamare friends hota to we are also moving together. Okay, kuch bhi lena ho, padhna ho, khelna ho, hum saath mein hote. So yes, ye three friends, these three friends were went to the forest together. They came to the river, nadi ke pas. They came to the river, nadi ke pas aane ke baad, they did not know how to cross it. Wo log bolte, अब ये नदी पार कैसे करेंगे? हमें तो नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू क्रॉस द रिवर। सो दिस थ्री ऑफ देम वर थिंकिंग। द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन हिम। शू क्या बोलते हैं? बबल, चलो मैं तेरे ऊपर बैठ के फ्लोट करते, पानी में तैरते हैं। सो द शू बोले, अब बबल तैरने, बबल के ऊपर ये शू तैरेगा तो हाउ वाज लाइक? ओके, अभी हम लोग जब बबल बनाते, व्हेन वी आर मेकिंग अ बबल, ओके, बाय द स्पीड ओवर द वॉटर, सो इट जस्ट ब्रोक। सो ये बबल बोला, नो नो, शू से क्या हम बबल के ऊपर बैठ के इधर जाते हैं? सो वॉट वॉज दैट देन? नो नो, द बबल से नो नो शू, लेट द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। अब नदी पार करना है, एक पार से दूसरे पार जाने के लिए वो स्ट्रॉ को स्ट्रेच होने दे। ओके, स्ट्रेच होके वो रहेगा तो हम उसके ऊपर से क्रॉस कर सकते हैं। सो देन वी कैन क्रॉस द रिवर, द बबल्स के ऊपर वी कैन फ्लोट ऑन द बबल। ओके, वो तो टूट ही जाता है, दैट विल ब्रोक डाउन, वो बबल टूट जाता है। सो बबल क्या बोलते? नहीं नहीं शू, एक ऐसे काम करते, वी विल स्ट्रेच द, लेट द स्ट्रॉ जो है वो खींच के, लेट इट स्ट्रेच फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर बैंक ऑफ द रिवर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, और वो स्ट्रॉ सुन के, इन दोनों की बातें स्ट्रॉ सुन के क्या किया? वो खींच के रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होके एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए खड़ा हो गया। व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, शू जम्प किया तो वॉट विल हैपन टू द स्ट्रॉ? इफ वी जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, इट विल ईजिली ब्रोकन। ओके, स्ट्रॉ तो ब्रोक हो जाता है। वॉट हैपन वेन द स्ट्रॉ, द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ ब्रोक द एंड द शू फेल डाउन इन टू द वॉटर। अब नदी में गिर गया शू। ते बबल क्या कर रहा है? जोर जोर से द बबल वॉज शुक, ही वॉज लाफिंग लाइक द, ही वॉज मेकिंग अ लाफिंग मीन्स ही वॉज वेरी happy, हाँ, shoe has fell down. Okay, हम चलते चलते कहीं जाते हैं, लिपस के गिर गया तो हमारे फ्रेंड्स कैसे, द फ्रेंड्स वे आर लाफिंग। ओके, दैट्स वे दिस बबल वॉज लाफिंग एट द शू कि ये गिर गया है, और जैसे वो जोर जोर से हंसा और वो बबल क्या किया, किसी पे जाके बैंग हुआ, वो बबल भी जूझ गया। सो कैसा रहा ये स्टोरी? एलेक्सी टॉल्स्टॉय ने बनाया, सुपर्ब है ना। अब मैं इसका समरी बता के देती हूँ। समरी में ऐसा है, दिस स्टोरी इज अबाउट द थ्री फ्रेंड्स। ओके, वो इज अबाउट द स्टोरी अबाउट द थ्री फ्रेंड्स।
the bubble, the straw and the shoe. One day they were passing through a forest. They came near to a river and they did not know how to cross it. Okay, understood? Finally, they decided to cross the river with the help of a straw. The straw stretched itself from one bank to the another. Shoe tried to cross the river. First, the shoe landed on the straw and it broke down. The bubble shook with laughter and it burst into a big round. अभी इस समरी में शॉर्ट पे आपको हिंदी में समझाने वाली हूँ कि ये एक स्टोरी थ्री फ्रेंड्स के है, बबल, स्ट्रॉ एंड शू. ओके, सो वो लोग एक दिन फॉरेस्ट के वहाँ चल के जा रहे थे. दे वेंट टू द फॉरेस्ट और जैसे ही चल के आए तो वो लोग किसके पास आ गए? नदी के पास आए. नदी के पास आए तो सोचे कि अभी हम ये नदी पास करना पार करना हमें नहीं आता है. सो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम नदी पार किस तरह करेंगे, स्ट्रॉ के ऊपर जाके. ओके, स्ट्रॉ को बोला पहले तुम अपने आप को स्ट्रेच करो, दो एक बैंक से दूसरे बैंक पे स्ट्रॉ को स्ट्रेच करने बोला. और जैसे स्ट्रॉ स्ट्रेच हुआ, शू ट्राई टू क्रॉस द रिवर फर्स्ट. शू बोला मैं पहले क्रॉस करता हूँ. तो क्या हुआ, शू लैंडेड ऑन द स्ट्रॉ. शू जैसे ही वो धीमे धीमे चल के जा रहा था तो बीच में से उसका हैवी की वजह से वो स्ट्रॉ टूट गया और शू नीचे गिर गया नदी पे. तो बबल क्या किया, बहुत खुशी से वो हंस रहा था. वो हंस हंस के क्या हुआ, बिग जो बिग ग्राउंड जो है वहां पे वो बबल्स टूट गया. ओके, इट बर्स्ट विद द बिग बैंड बैंग, तो टूट गया. तो ये है हमारा सेकेंड चैप्टर की स्टोरी, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे सेंड कीजिएगा. अगर ये स्टोरी अच्छा भी लगा तो भी अच्छे से कमेंट्स देना. और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम चैनल देखते तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बोलना मत, क्योंकि जब बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आप लोगों को मेरे हर एक न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पे जो भी अपलोड करते हो उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.